नमस्कार, मैं प्रोफेसर तनुजा नेसरी, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत स्वायत्त संस्था है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। उसकी ओर से जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कोरोना क्राइसिस के लिए उपाय योजना जो कर रही है उसके बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कोरोना पैंडेमिक है, पूरा वर्ल्ड जो एक वैक्सीन भी ढूंढ रही है, कुछ कामयाब मेडिसिन भी ढूंढ रही है, तो उसके लिए आयुर्वेद में जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी हर्ब्स कहे हैं उसका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली एक टास्क फोर्स बनाया और उसमें CSR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिल के एक और ICMR की सहमति से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की भी सहमति से एक 4 वनौषधियों को चुना कि जिसमें पोटेंशियल है कि वो कोरोना के ऊपर कुछ कामयाब मेडिसिन निकाल सकते हैं। तो उसमें एक है अश्वगंधा, दूसरी है संशमनी वटी जो गिलोय से बनी हुई है, तीसरी मुलेठी ग्लिसेराइजा ग्लाबरा जिसको संस्कृत में यष्टिमधु कहते हैं, और एक CSIR ने बनाया हुआ पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है आयुष 64। तो इसमें अश्वगंधा के लेने की वजह यह है कि ये आयुर्वेद में रसायन रिजुविनेटिंग हर्ब कहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्टिविटी है। जो कोरोना क्राइसिस है, अगर उसके वायरस शरीर में क्या करता है ये अगर हमने देखा तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। इम्यून सिस्टम के से अटैक करने से जो शरीर की जो इम्यूनिटी के अगेंस्ट जो सेल्स हैं, जो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, ये तो कमजोर हो जाती है, लेकिन उससे कुछ शरीर का एक प्रतिकारात्मक ऐसे एक उपाय योजना शरीर करता है, साइटोकाइन स्टॉर्म होता है और उससे शरीर में सूजन आ जाती है और उससे ऑर्गन फेल्यूर होता है। तो ये पूरे जो एक साइकिल है कोविड से होने वाली शरीर में, इसको कम करने का काम हमारे जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी हर्ब्स रसायन हर्ब्स ये करते हैं। तो अश्वगंधा इनमें क्या करता है, तो अश्वगंधा एक हर्ब है और उसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कि जो इफेक्टिव है, रिसर्च ने ये पाया गया है, जो आयुर्वेदिक है लेकिन इसके ऊपर संशोधन में ये पाया गया है कि इसमें विथापेरिन ए नाम का जो तत्व है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन को कम करता है। दूसरे जो नर्वस सिस्टम को ये वायरस अटैक करता है, तो नर्वस सिस्टम में जो गैबा लाइक एक्टिविटी इसमें पाई गई है इसीलिए वो स्ट्रेस कम होता है। मुख्यतः वायरस से या किसी से भी जो फ्री रेडिकल शरीर में होता है तो उसको एंटीऑक्सीडेंट हर्ब है वो फ्री रेडिकल को शरीर में से निकाल देते हैं। तो ये अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है उसके विथापेरिन ए का, इससे कामयाब हो सकता है ऐसा अनुमान है, हाइपोथेसिस है। इसमें सबसे मुख्यतः जो विथेनोलॉइड ई है वो शरीर की जो इम्यूनिटी के लिए आवश्यक टी लिम्फोसाइट को बढ़ाती है, और विथापेरिन ए है ये बोथ बी और टी लिम्फोसाइट को बढ़ाती है। तो ये सोच के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसके जो पहले रिसर्च है एविडेंसेस है तो इसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने टास्क फोर्स ने इसका चयन किया और उसकी एक प्रोफिलैक्टिक ट्रायल मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या कोरोना के जो फ्रंटलाइन वॉरियर है इनके ऊपर एक इसका असर होने का ज़्यादा चांसेस है उसके, तो उसके कम करने के लिए अश्वगंधा को चुना गया है। वो स्टैंड अलोन भी देंगे या हाइड्रोक्विनाइन जो अभी पैरेलल चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हेल्थ का उसके साथ भी देंगे। तो ये एक ट्रायल चल रहा है, इसका CSR इन विट्रो इन विवो स्टडी भी कर रहा है और कई सारे जैसे IIT में भी अभी संशोधन हो रहा है। तो ये अनुमानित है, हाइपोथेसिस है, कोई भी अभी स्ट्रांगली ये नहीं कह सकता कि ये कोरोना के अगेंस्ट कामयाब होगा, लेकिन इसकी जो रिसर्च है उसकी कई सारी जो एक्टिविटी ये कह सकती है कि इसमें से कुछ ऐसे तत्व निकल सकते हैं कि ये कोरोना के अगेंस्ट जो कोरोना से जो सिम्टम्स हुए हैं उसको कम करने में कामयाब हो सकते हैं। इसमें एक हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट है, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट है या एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी है। इसका मतलब यह है कि जो कोमॉर्बिड कंडीशन है जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है,
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या हार्ट का डिसीज़ है, तो इनको कोरोना से ज़्यादा डर है, अगर कोरोना हो गया तो। ये दवा देने से, अश्वगंधा लेने से इनके ऊपर भी कोमॉर्बिड कंडीशन में भी लाभ हो सकता है। इसीलिए इसको एक प्रधानतः इसको करो, अश्वगंधा जो विथानिया सोमनीफेरा जिसकी जड़ यूज होती है, इसका चूर्ण और उसकी गोली ले सकते हैं, इसका चयन किया गया है। और हमें उम्मीद है कि इससे कुछ पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे, जिससे कोरोना से पीड़ित हजारों लोगों का इसका लाभ होगा और जो नहीं पीड़ित है, सामान्य व्यक्ति है, उनका इम्यूनिटी स्तर का, इम्यूनिटी की जो सिस्टम है मजबूत हो गए, उनका स्तर बढ़ेगा। धन्यवाद। अभी दोनों में से